हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्लासिफाइड द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमारे पास 5 नंबर दिया हुआ है और ये नंबर को क्लासिफाइड करके बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो देखो, अगर हम लोग फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 माइनस अंडर रूट 5 दिया हुआ है। यहाँ पे अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है और 2 रैशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि दो नंबर का रैशनल प्लस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ रहे थे तो उसने हम क्लियर किए थे रैशनल माइनस इरेशनल का आंसर जो होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है, यानी कि जब भी हम लोग कोई रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इरेशनल आता है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब अगर आपको डिफरेंस लिखना है कि ये इरेशनल नंबर क्यों है तो आगे आप इसको लिख सकते हो बिकॉज डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल, सो दिस नंबर इज कॉल्ड टू इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट का आंसर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग पास क्या दिया हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, जिसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 23। देखो ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों आपस में कट के क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो 3 इज अ रैशनल नंबर, 3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रूट, यहाँ से ये प्लस में था ये माइनस में था, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होकर के ख़त्म हो गया, इसलिए क्या बचा, ओनली फॉर 3 बचा। सो 3 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 2। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये किस फॉर्म में सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 7, 7 से 7 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ बचा 2 अपॉन 7। सो 2 अपॉन 7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 2 अपॉन 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका 4 देखते हैं। तो 4 में क्या है, 4 में 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, तो ये तो ऐसे ही देखने ही से लग रहा है कि ये इरेशनल है, लेकिन अगर आपको डिफरेंस लिखना हो तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको पूछा जाए कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, तो अगर आपको डिफरेंस लिखना हो, इसका आपको डिफाइन करना हो कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो बिकॉज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग कोई भी दो नंबर, यानी कि जो रैशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर होता है, उसको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो ऑलवेज इरेशनल आता है। ठीक है, अब देखो हम लोग 5 में देखते हैं। तो देखो 5 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 2 तो यहाँ पे रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। सो हम लोग कह सकते हैं कि 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको इसमें रीज़न लिखना हो कि ये अगर इरेशनल है तो इरेशनल क्यों है, तो आप डिफरेंस सिर्फ इतना लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो रहा है, 2 into pi हो रहा है, यानी कि 2 को पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, सो तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।